तो सबसे पहले मैंने फोटोशॉप यहाँ पे खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड लिया और फोटो यहाँ पे ले लिया, ठीक ना। और बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे हमको ट्रेन चाहिए था, ठीक ना। तो अच्छा सा मैंने ट्रेन खोज रहा था तो नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च दूसर किया, फिर यहाँ पे ट्रेन एक मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि और कुछ अच्छा मिल जाए, तो नहीं मिला, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वही लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऊपर गए और सिंपल से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पेन टूल से मैंने यहाँ पे रिमूव कर ले रहा था बैकग्राउंड को, ठीक ना। बैकग्राउंड को हटाने के लिए तो सिंपल से यहाँ पे हटा रहे थे हल्का हल्का, तो यहाँ पे हटा रहे थे यहाँ पे भी हल्का सा। आपको अच्छा से करना है, और भी तरीका था अति बैकग्राउंड रिमूव करने का, बट हमने अप्लाई नहीं किया तो मैंने पेन टूल से ही यहाँ पे कर लिया था, ठीक ना, हल्का हल्का। और फिर मैं बैकग्राउंड रिमूव करके और सिंपल से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, ठीक ना। अच्छा से मैंने किया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और रियलिटी पता करने के लिए कि यहाँ पे अभी सब्जेक्ट चाहिए था अभी यहाँ पे, ठीक ना, एक पीपल का चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे तो ठीक हो गया, ठीक ना। तो अब मैंने फिर सोचा कि एक और हल्का सा लाइटिंग वाइटिंग हल्का सा हल्की यहाँ पे की है कर्व में, ठीक ना, इसको डार्क करने के लिए। और फिर डार्क करने के लिए यहाँ पे तो कर लिया, ठीक ना। फिर मैंने यहाँ से कैमरा रो फिल्टर से यहाँ पे किया, ठीक ना, लाइट रूम के तरह रहता है, तो हल्का सा मैंने इसको डार्क करने के लिए सोचा। तो यहाँ पे पहले ग्लो यहाँ पे दे रहे थे पटरी पर थोड़ा सा कि अच्छा लगे, ठीक ना। और यहाँ पे भी अच्छा थोड़ा सा लगने के लिए यहाँ पे भी किए हैं हल्का, तो इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे भी हो गया, ठीक ना। और थोड़ा सा और करना था तो इसको डार्क किए, और डार्क करने के बाद गिटी को हमको ब्लैक करना था, तो यहाँ पे पेंट करने लगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेंट कर रहे थे, और अच्छा से करना था तो हल्का 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 करने में इधर भी किए, और साइड से भी अच्छा नहीं हो रहा था तो अच्छा से इधर भी कर लिए, ठीक ना। और यहाँ पे भी कर रहे थे अच्छा जूम कर करके, तो यहाँ पे भी हो गया था, ठीक ना। और इतना करने के बाद मैंने को और करना था क्या, तो यहाँ पे सॉलिड कलर ले लिया और यहाँ पे अति कर लिया, और हल्का हल्का इधर लाइट दे दिया, ठीक ना। और यहाँ पे फिर से किए, और यहाँ पे ओल्ड मन के हमको फ़ोटो चाहिए था, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया था, तो बहुत रिसर्च करने के बाद एक जगह पर मिला था, बट मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहा था बहुत, यहाँ पे बार बार वहीं पे चले जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने बहुत डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद एक जगह फिर मिला हम एक फ़ोटो। मैं दिखाता हूँ हल्का ये कौन सा था, ये इसमें था, तो हमको फिर ये मिला, दिखाते हैं आपको। हम वीडियो फास्ट किए हैं तो इसमें भी हमको ये फ़ोटो नहीं अच्छा रहा था, कहीं वाटर मार्क आ रहा था इसमें, तो इसमें हमने नहीं लिया, ठीक ना। और फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ पे, देखिए ये फ़ोटो था, ठीक है, यहाँ पे ये फ़ोटो था, तो इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। और फिर कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेन टूल से इसको रिमूव किया बैकग्राउंड। तो अच्छा सा करना है, पेन टूल से करना है, क्योंकि पेन टूल से करने से ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले कि आपको एजेस उतना नहीं दिखाई देगा, ठीक ना, आपको परफेक्ट यहाँ पे कटेगा, ठीक ना, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट यहाँ पे काटने की कोशिश किया था, छोटा मोटा गलतियाँ होता है, बट अच्छा से आपको कर लेना है यहाँ पे रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी हल्का कट करना था, तो यहाँ पे ऐसे अदर टूल भी आता है कट करने का, बट हम उतना नहीं किए। और इतना करने के बाद यहाँ पे तो हो गया, ठीक ना। और इतना होने के बाद हमको थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ पे चाहिए था, तो ये PNG एक था, तो उसको सैचुरेशन कम करके और हल्का सा इतना कर, इसे क्या रहा था कि हल्का सिनेमेटिक लुक आ रहा था, ठीक ना। और यहाँ पे हल्का सा मैंने अति कर दिया, ग्लो यहाँ पे दे दिए, और लाइटिंग की हल्का सा इसको, ठीक ना, यहाँ पे हल्का लाइटिंग किए इसको भी, सब्जेक्ट को भी। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने सॉलिड कलर ले करके, और यहाँ पे मैंने हल्का सा पेंट करने का कोशिश किया मैंने ग्लो देने का, तो ठीक ना, तो यहाँ पे कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे इसको डार्क करना था, तो हल्का सा किनारे, तो इसको मैंने डार्क करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट को पर हमको फोकस रखना था। तो यहाँ पे मैंने किया अच्छा से, फिर से मैंने अब हल्का सा कलर किया, तो बहुत ज़्यादा डार्क होकर जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा से करता हूँ और कम डार्क करूँगा, ठीक ना। तो इसमें किया हल्का सा डार्क किया, मतलब कि हाईलाइट मैंने कम कर दिया, ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर कम नहीं किया। अरे इतना करने के बाद मैंने फिर से किया थी, और फिर मैंने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने के लिए गया था, तो सिंपल से कलर ग्रेड में हम यहाँ पे सिलेक्ट किए कि कौन सा कलर स्कीम, मतलब कि कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यही कलर हमको चाहिए। तो फिर वो यहाँ पे क्या हुआ कि टेक्स्ट डालना था, तो टेक्स्ट यहाँ पे हम डाल रहे थे, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट यहाँ पे डाल रही है। और टेक्स्ट डालने के बाद यहाँ पे मैंने को यहाँ पे हल्का सा लगा कि यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए अच्छा थोड़ा, तो फिर मैंने टेक्स्ट डाला, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे आती टेक्स्टर डाल दूँ, ठीक ना, इसमें। तो टेक्स्टर डालने गया गोल्डन, तो मेरे को टेक्स्टर यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने गोल्डन यहाँ पे सिलेक्ट किया, बट
लास्ट में डिसाइड किया हुआ कि एक गोल्डन हमको चाहिए नहीं टेक्सचर, ठीक ना, अच्छा नहीं परफेक्ट बैठ रहा था तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, ठीक ना। और आपको अच्छा लग रहा था तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट हमको अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वाइट सोचा और वाइट सोचने वाले इफेक्ट्स में गए और इसमें मैंने यहाँ पे ये कर लिया थोड़ा। और इतना करने के बाद मैंने को ये फाइनल यहाँ पे सोचा कि मैंने इतना कर लेता हूँ, ठीक ना। और इतना करने के बाद यहाँ पे ये फाइनल थोड़ा सा कलर को मतलब कि हाईलाइट देना था सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और इतना करने के बाद हमको ये पूरा तरह से मैंने को बन गया था, तो मेरे को डिसाइड हुआ कि हाँ यहाँ पे परफेक्ट थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इधर। और यहाँ पे ये देखिए ये फाइनल लुक हो गया पोस्टर।